दांतों की हर समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये उपाय जो तुरंत आराम पहुंचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि दांत में दर्द क्यों होता है और यदि आपके भी दांत में दर्द होता है या हो रहा है तो इससे आपके पूरे शरीर को किस तरह भयंकर नुकसान हो सकते हैं और साथ में दांत दर्द से जुड़े रहस्य के बारे में भी खुलासा करेंगे। और अगर आप हमारे बताए हुए महत्वपूर्ण जानकारी से अपने दांतों की देखभाल कर लेते हैं तो आपको दांतों से होने वाले हर समस्याओं से छुटकारा पाने के साथ बचने में भी मदद मिलेगा। इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि दांत दर्द होने से पहले ही आपके शरीर को कुछ ऐसे संकेत देता है जिसको जानना अति आवश्यक है, तो इसलिए इस जानकारी को जान लेना शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर आप इसका फायदा नहीं ले पाते हैं आपको बाद में अफसोस हो सकता है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें क्योंकि दांतों में दर्द होने से इतने भयंकर परिणाम को देखना मिल सकता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए पूरी जानकारी जरूर लें क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक साबित होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए, इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। अगर आप दांतों के किसी भी समस्या से परेशान हैं और इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो रुक जाइए क्योंकि हम आपको बता रहे हैं इससे बचने के घरेलू और प्राकृतिक तरीके जो दांतों की समस्याओं से छुटकारा दिलाकर आपको दे सकते हैं सफ़ेद चमकती खूबसूरत मुस्कान। शरीर की सुंदरता और सेहत दोनों के लिए स्वस्थ दांत जरूरी होता है। दांत शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। भोजन को भली भांत चबाने के साथ साथ बोलने के लिए भी दांतों की महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, दांतों का बाहरी भाग शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। यह कैल्शियम का बना होता है। जब भी दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर होता है तो व्यक्ति को कुछ खाना पीना मुश्किल हो जाता है। दांत के दर्द के कारण हमेशा परेशान रहते हैं। दांतों की परेशानी होने से इंसान कई जरूरी चीजों के सेवन से भी अछूता रह जाता है। उम्र के साथ होने वाली दांतों की एक बड़ी परेशानी है। दांतों की समस्या एक ऐसी समस्या है जो किसी को कभी भी हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दांत दर्द दो तरह के होते हैं। पहला, इसमें दांतों में तेज दर्द होता है जिसे शार्प टूथ पेन कहते हैं। यह कुछ खाते समय या बात करते समय एकदम तेजी से होता है। और दूसरा होता है दोस्तों, इसमें दर्द ज़्यादा गर्म या ठंडा खाने के कारण होता है। इस दर्द को डल टूथ पेन भी कहते हैं। ये हल्का तथा ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। खुलकर हंसना आपको कई बीमारियों से निजात दिला सकता है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हंस नहीं पाते। कई लोग तो सिर्फ इसलिए नहीं हंसते क्योंकि उनके दांतों में पीलापन होता है। दोस्तों, आपको ये जानना बेहद ही जरूरी है कि वे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से दांतों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। स्वस्थ दांतों के लिए दांतों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। दांतों में सेंसिटिविटी की परेशानी आम हो चुकी है। अक्सर ठंडा या गर्म खाने से लोगों के दांतों में झनझनाहट की शिकायत होती है। ये आपकी दांतों पर लगी इनेमल की कोटिंग के घिस जाने से होता है। इसी कोटिंग के बदौलत आप कठोर चीजों को खा पाते हैं। जब दांतों से इनेमल की कोटिंग हट जाती है तब दांतों में कुछ भी ठंडा या गर्म खाने पर बड़े जोर की झनझनाहट मचती है। इसके लिए दांतों के बैक्टीरिया और प्लेग भी जिम्मेदार होते हैं। दांतों का ख्याल नहीं रखा गया तो दांतों में कीड़े लगने का डर लगा रहता है। गलत समय पर भोजन करना या फिर भोजन करने के बाद दांतों को ठीक तरह से साफ न करने से दांतों में कीड़े भी लग जाते हैं। दांतों का हिलना एक आम समस्या है जो कि किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर हल्का सा छूने पर भी दांत हिल रहा है तो दांत के कमजोर होने का संकेत है। इतना ही नहीं, कई बार कैल्शियम की कमी के कारण भी दांत में दर्द की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सामान्य रूप से मुंह में पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया खास तौर पर शुगर और स्टार्च को एसिड में तब्दील कर देते हैं। खाने के टुकड़े और लार मिलकर हमारे मुँह में एक चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं जिसे प्लाक कहते हैं। प्लाक दांतों से चिपका रहता है। यह पीछे वाली दाढ़ में बहुत आम बात होती है। यह मसूड़ों के बिल्कुल ऊपर और भराई की धार पर होता है। अगर प्लाक को दांतों पर से हटाया जाए तो यह एक तरह का पदार्थ बनाते हैं जिसे टार्टर कहते हैं। प्लाक और टार्टर मिलकर मसूड़ों को परेशान करते हैं। आपको बता दें कि खाना खाने के 20 मिनट के अंदर दांतों पर प्लाक बनना शुरू हो जाता है।
अगर इसे न हटाया जाए तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। एसिड जो कि प्लाक में मिला होता है हमारे दांतों की एनेमल को नष्ट कर देता है और उसमें गड्ढा बना देता है। कैविटी आमतौर पर परेशान नहीं करती, लेकिन जब वह बड़ी होती है वह नसों को प्रभावित करने लगती है, जिससे दांत भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। अगर कैविटी का इलाज न कराया जाए तो दांतों में फोड़ा भी हो सकता है, और अगर सड़न का इलाज न कराया जाए तो दांतों की भीतरी सतह को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके कारण आप दांत खो सकते हैं। दोस्तों, दर्द कोई भी हो कष्टदायी ही होता है, लेकिन जब बात हो दांत के दर्द का तो यह किसी भी मुसीबत से कम नहीं होता। कुछ खाते वक्त अगर अचानक दांत दर्द होने लगे तो खाने का मजा खराब हो जाता है। इसके अलावा दांतों में होने वाली झंझनाहट वाकई में तकलीफ देह होती है। कई बार लोग दांत दर्द की दवा का सेवन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी दांत दर्द ऐसे वक्त पर होता है जब डॉक्टर का विकल्प भी मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे में रोगानुसार के इस वीडियो से हम दांत दर्द का घरेलू उपचार बताने जा रहे हैं। कई लोग दांत में दर्द की दवा लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे में हमारे द्वारा बताए गए दांत के घरेलू उपाय लाभकारी हो सकते हैं, तो बिना देर करते हुए दांत के दर्द के घरेलू उपाय शुरू करते हैं, जिनमें है पहला, लौंग दांत के दर्द से निजात पाने का एक कारगर उपाय है। लौंग में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी स्थैटिक गुण होते हैं जो दांतों के दर्द को कम करने और संक्रमण से निपटने में मदद करते हैं। इसके लिए आप एक या दो लौंग को अपने दांतों के बीच दबा कर रखें, या फिर लौंग के पाउडर या लौंग का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर पर लौंग के तेल न हो तो इसके जगह आपको दूसरे उपचार के बारे में सोचना होगा। तो चलिए आपको एक आसान घरेलू नुस्खे के बारे में भी बताते हैं, जो आपके घर में मौजूद जरूर होगा। दोस्तों, वह है अदरक का पाउडर या सिर्फ अदरक। अदरक पाउडर को पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। पेस्ट को दांतों में लगाने से मिनटों में दांत के दर्द कम हो जाएंगे। अगर आप यह भी नहीं करना चाहते हैं तो अदरक को चबाकर खाने से उसका रस दर्द वाले जगह पर लगाने से भी राहत मिलती है। इसके अलावा अदरक का एंटीबैक्टीरियल गुण जो छोटे छोटे घाव और संक्रमण और सूजन को भी जल्दी ठीक करता है। दूसरा उपाय, अमरूद के पत्ते के काढ़े से कुल्ला करने से दांत की भयानक टिस और दर्द दूर हो जाता है। प्रायः दांत में कीड़ा लगने पर असहनीय दर्द उठता है। काढ़ा तैयार करने के लिए पतीले में पानी डालकर उसमें अंदाज से अमरूद के पत्ते डालकर इतना उबालें कि पत्तों का सारा रस उस पानी में मिल जाए और वह पानी उबाले हुए दूध की तरह गाढ़ा हो जाए। तो इस तैयार हुए गाढ़े से सुबह के समय कुल्ला करें, इससे फौरन राहत महसूस होगी। इसके अलावा 10 ग्राम फिटकरी को 1 लीटर पानी में घोल लें और फिर इसे तवे या लोहे की कड़ाही या मिट्टी के पात्र में रख कर आग पर रखें। जब पानी का अंश जल जाए और फिटकरी फूल जाए तो तवे को आग पर से उतार कर फिटकरी को पीस कर बारीक चूड़ बना लें। जितनी फूली फिटकरी का पाउडर बने उसका 1/4 भाग निकाल कर पीसी हल्दी उसमें मिला लें। वह लकड़ी की सीख की नोक से दांत के दर्द वाले स्थान पर या सुराख के भीतर धीरे धीरे घुमाएं या मिश्रण भर दें। एक या दो बार ऐसा करने के बाद शायद फिर प्रयोग करने की जरूरत ही न पड़ेगी, क्योंकि दर्द गायब हो चुका होगा। तीसरा उपाय, नीम की दातून का इस्तेमाल गाँव में दांतों को साफ करने के लिए पुराने समय से होता आया है। जब टूथपेस्ट या टूथ पाउडर बाजार में इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते थे, तब गांव के लोग नीम और बाबुल की दातून से ही दांतों को साफ करते थे। नीम एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है जो दांतों के सड़न को रोकता है। नीम का रोज इस्तेमाल करने से मुंह की बदबू से छुटकारा मिलता है और दांतों में कैविटी भी नहीं होती। अगर आप नीम की दातून का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो अपने टूथपेस्ट में नीम का तेल मिलाकर ब्रश जरूर करें, इससे भी फायदा होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पुराने समय में लोग नमक से भी दांत साफ करते थे। टूथपेस्ट में भी नमक इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये दांतों को साफ रखता है और कीटाणुओं को भी खत्म करता है। इसके लिए आप सरसों के आधा चम्मच तेल में नमक मिलाकर उससे ब्रश कर सकते हैं, लेकिन इसका अधिक इस्तेमाल न करें क्योंकि नमक से ज्यादा इस्तेमाल मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा उपाय, हल्दी का हल्का खुरदुरापन दांतों से गहरे दाग को हटाने में मदद करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक और एंटी मुटाजेनिक जैसे गुणों के कारण यह दंत चिकित्सा में भी काफी उपयोग होती है। यह आपके दांतों और मसूड़ों को मजबूत और बैक्टीरिया से मुक्त बनाता है, इसलिए अपने टूथब्रश पर हल्दी पाउडर छिड़के और ब्रश करें। इसके बाद इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें और फिर अच्छी तरह से कुल्ला कर लें। इसके बाद सामान्य टूथपेस्ट से ब्रश कर लें। ऐसा करने से तुरंत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। अगर आवश्यक हो तो कुछ दिनों के बाद इस दांतों की सफाई के नुस्खे को फिर से दोहराएं। इसके अलावा दांतों का पीलापन दूर करने के लिए बेकिंग सोडा बहुत कारगर साबित होता है।
जिस तरह दांत साफ करते वक्त नमक का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दातुन करते वक्त अपने ब्रश में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला लें और धीरे धीरे अपने दांतों को साफ करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके दांतों पर जमी पीली परत धीरे धीरे साफ हो जाएगी। दोस्तों, तो आइए हम आपको बताते हैं कि दांत दर्द होने के पहले संकेत क्या मिलते हैं। कुछ चबाने के दौरान दर्द होना, ठंडी और गर्म चीजों से ज्यादा संवेदनशीलता, दांतों और मसूड़ों के बीच की पकड़ कमजोर होना और खून बहना, दांतों के चारों तरफ या जबड़े में सूजन आना, दांत की जगह पर चोट आना। कई बार ये संकेत और लक्षण दांतों में सड़न और फ्रैक्चर और मसूड़ों के रोगों से जुड़े होते हैं। दांतों के चारों तरफ मसूड़ों का लाल होना या दांतों में सड़न, आमतौर पर ये दोनों ही दर्द के मूल कारण होते हैं। अगर आप संक्रमित दांत को दबाते हैं या उसे हिलाने की कोशिश करते हैं तो इस स्थिति में दर्द और ही तीव्र हो जाता है। धन्यवाद।